वन आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हमारा फुल मॉक टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि आपको यहां पर थ्योरी के, आपके प्लम्बर थ्योरी के आपको 38 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके बाद आपको यहां पर WCS एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन मिलेंगे, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपके 6 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके बाद आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी टोटल मिला के आपका 75 का पूरा टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसा कि आपका CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपका इसमें से स्कोर कितना हुआ हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर चैनल पर पहली बार वेट करें चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्या करना, ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि क्या होता है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा नई वीडियो का। तो दोस्तों हम सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, इसको पढ़िए और फिर हमें बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन दिया, क्वेश्चन दिया गया पैर की सुरक्षा के लिए किस PPE का उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसमें दिए हेलमेट होना चाहिए, एयर प्लग होना चाहिए, या सेफ्टी शूज़ होना चाहिए, या फिर हैंड ग्लव्स होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलेंगे इसका राइट आंसर, और कमेंट ज़रूर किया करें। आपको अभी चाहे गलतियां हो जाएंगी तो उसको सुधार कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में अगर गलती हो जाएगी आप वहां सुधार नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप कमेंट जरूर करें इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा सेफ्टी शूज़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेने क्या होगा सेफ्टी शूज़ का यूज़ हम कैसे करेंगे, पैर की सुरक्षा के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया प्लास्टिक कचरे के डिब्बे के लिए जो रंग होता है कोड क्या है, जो रंग कोड कौन सा होता है जो प्लास्टिक के कचरे के डिब्बे के लिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए दिया गया लाल होना चाहिए, नीला होना चाहिए, हरा होना चाहिए, या पीला होना चाहिए। अगर आपने देखा होगा प्लास्टिक के जो कचरे के डिब्बे रहते हैं वो किस रंग के रहते हैं, तो जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। को काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा यहाँ पर पीला इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी येलो इसका रंग होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि आग से लगने की स्थिति में क्या तत्काल कार्रवाई की जाती है। अगर आपको यहीं पर आग लग जाती है तो हमें वहां पर तत्काल जो कार्रवाई करनी चाहिए वो क्या करना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए दिया गया अलार्म बजाएं, ऑप्शन बी दिया गया दरवाज़ा और खिड़कियां बंद करें, ऑप्शन सी आपका दिया फर्श प्रभावी को सूचित करें, ऑप्शन डी दिया गया चिकित्सा सहायता को बुलाएँ। तो इसमें से कमेंट करके बताइए सभी साथी, तो आसानी से सभी कमेंट कर सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। सभी स्टूडेंट कमेंट करते चलेंगे इसका राइट आंसर, तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो भी करेगा उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा अलार्म बजाएं। जैसे ही अगर आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए तत्काल जो कार्रवाई करनी चाहिए वो हमें क्या करना चाहिए अलार्म बजाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर, ये रहा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया हैंड वाइज के एक्स के रूप में जो चिन्हित जो भाग दिया गया है, देखिए यहाँ पर एक्स जो चिन्हित जो भाग है इसका आपको नाम बताना है क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए दिया गया स्प्रिंग होगा, विंग नट होगा, या फिक्स प्लेट होगा, या टेम्पर प्लेट होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला, तो सभी कमेंट करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम सभी का तो सभी को कमेंट करना चाहिए। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा हमारा स्प्रिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा स्प्रिंग इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया कि एक्स के रूप में जो चिन्हित जो भाग है उसका आपको नाम बताना, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम दिया गया इसमें जो एक्स जो चिन्हित जो भाग है इसका आपको नाम बताना क्या है उसका। तो ऑप्शन ए दिया गया पिन है, फेस या चीक या साइड फेस, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। अगर आपने इसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है अगर टूल्स के बारे में, तो आसानी से इसका राइट आंसर कमेंट करते हैं सकते हैं, जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी चीक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि चेन पाइप रिंच का उपयोग क्या है, जो चेन पाइप जो रिंच होती है उसका उपयोग कहाँ पर करते हैं इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन एक दिया गया हमारा वर्गाकार और चपटी वस्तु साधारण, ऑप्शन बी दिया गया यहाँ पर छोटी जॉब्स की असेंबली और डिसअसेंबली में किया जाता है,
ऑप्शन सी दिया गया छोटे व्यास की जॉब्स को पकड़ने में किया जाता है, ऑप्शन आपका डी दिया गया बेलनाकार और अनियमित जॉब्स को पकड़ने में। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको कमेंट करके बताना है, जो चेन पाइप रिंच का उपयोग कहाँ पर होता है। तो चार ऑप्शन में से सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, सभी साथी कमेंट करते चलें और वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें जिससे अन्य छात्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल जाए। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, जो भी करके आएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यानी क्या होगा, हमारा बेलनाकार और अनियमित जॉब्स को पकड़ने में हम क्या करते हैं इसका यूज़ करते हैं, किसका, चेन पाइप रिंच का यूज़ करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है किस कोण के किस कोण को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। जैसे कि आपके यहाँ दिया गया एक्स चिन्हित जो कोण दिया गया है इसका आपको मान बताना है। तो देखिए 45 डिग्री दिया गया, 71 डिग्री दिया गया, 50 डिग्री दिया गया और 60 डिग्री दिया। तो जो एक्स जो इंगित जो भाग है उसका कितना कोण होगा ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर होगा, यानी कितने डिग्री का कोण होगा हमारा 60 डिग्री का कोण होगा। कितना, 60 डिग्री का कोण होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दिया गया छेनी का नाम क्या है। जैसे आपके सामने डायग्राम दिया गया, इस छेनी का आपको नाम बताना। अगर आपने ITI में इस छेनी को बारे में देखा होगा, अगर आपने बुक में इस टूल के बारे में पढ़ा होगा तो आसानी से बता सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए, चार ऑप्शन से दिए गए, ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया, इसमें से सही कौन सा होना चाहिए ये आपको बताना। तो कमेंट करें सभी साथी जल्दी से कमेंट करते जाएं। तो काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा, इस छेनी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट छेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैट छेनी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है प्रक्रिया का जो होता है प्रक्रिया का नाम क्या है। जैसे कि आपके सामने एक व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस, जो आपके सामने एक प्रोसेस की गई है इस प्रक्रिया का नाम बताना है। तो ये कौन सी प्रोसेस है देखते हैं, ऑप्शन ए दिया गया रिमाइनिंग, ड्रिलिंग, दोहन और काउंटर डूब। तो इसमें से कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करते चलिए, आपको 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ड्रिलिंग इसका करेक्ट आंसर। मतलब जैसे कि आपके सामने चित्र दिया गया, इसमें जो कौन सी क्रिया हो रही है, ड्रिलिंग की जा रही है, मतलब किसी जॉब में छेद किया जा रहा है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है नट का नाम क्या है। एग्जाम में बहुत सारे आपके डायग्राम्स पूछे जाएंगे, उनके नाम पूछे जाएंगे, उनको आप अच्छे से निमी में जितने भी क्वेश्चन से दिए गए हैं डायग्राम्स ऑफ दी संबंधी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से याद करके ज़रूर जाना। ठीक है, चलिए इसका नाम बताइए जो आपके सामने एक नट दिया गया है, इस नट का नाम कमेंट करके बताइए। कैप नट होगा या स्क्वायर नट होगा या हेक्सागोनल नट होगा या सेल्फ लॉकिंग नट होगा, तो कौन सा होगा सही, सभी साथी कमेंट करें। कमेंट करते जाओ सभी साथी, जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। कमेंट करने से ये होता है कि आप चाहे गलत दो चाहे सही दो, लेकिन आप यहाँ पर अगर गलती कर लेंगे तो सुधार भी हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में कभी सुधार नहीं हो पाएगा। एक बार वहाँ गलत हो गया तो मतलब वहाँ नंबर क्या होगा, कट हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर होगा, क्या होगा, डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसको बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग नट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्फ लॉकिंग नट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि अंदर कैलिपर के आवेदन क्या हैं, जो अंदर जो कैलिपर होता है उसके आवेदन क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया बाहरी माप को मापने के लिए, ऑप्शन बी आपका दिया गया इस्पात शासन से माप स्थानांतरित करने के लिए, ऑप्शन आपका सी दिया गया है कि आंतरिक आयामों को मापने के लिए, ऑप्शन आपका डी दिया गया है लाइनों को चिन्हित करने के लिए। तो इसमें से सही कौन सा है जो मतलब अंदर के कैलिपर के आवेदन के लिए किया जाता है, तो आपको ये कमेंट करना, सही ऑप्शन इसमें से बताना। तो सभी साथी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कमेंट भी करने लगे हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे 55 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर होगा। सी क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, आंतरिक आयामों को मापने के लिए इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि वायुमंडलीय स्थिति में नमी और ऑक्सीकरण के कारण लोहे और स्टील का क्या, लोहे और स्टील पर क्या निर्मित होता है।
तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया जो है स्केलिंग, ऑप्शन बी दिया गया रस्टिंग, ऑप्शन सी दिया गया पीटिंग, ऑप्शन डी दिया गया कटाव। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर यानी वायुमंडलीय की स्थिति में अगर नमी और ऑक्सीकरण के कारण जो लोहे और स्टील पर निर्मित होता है वो क्या हो जाएगा। तो चलिए इसे कमेंट करें सभी साथी, और ये आसानी से सभी साथी कमेंट कर सकते हैं अगर अगर आपने इसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा बुक के बारे में, बुक में, तो जल्दी से कमेंट करें। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा, रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना होता है। क्या होता है, अगर वायुमंडलीय की स्थिति में नमी और ऑक्सीकरण हो जाता है तो लोहे पे क्या होता है और स्टील पे क्या होता है, नमी मतलब वो क्या जंग लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, रस्टिंग का अर्थ होता है जंग लगना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, एग्जाम में हमेशा याद रखना क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना, हड़बड़ाना बिल्कुल मत, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उनके ऑप्शन को देखना और उसके बाद ही राइट आंसर कमेंट उसमें राइट करना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया गया कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा धात्विक सतह के धीमे और निरंतर क्षरण का दोष क्या है। तो इसमें से आपको दोष बताना है कौन सा होगा, जंग होगा, कटाव होगा, या परतबंदी होगा, या संकुचन होगा। तो आपको इसमें से कमेंट करना है, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करते चले इसका राइट आंसर, कमेंट सभी किए करेंगे। ठीक है, आपको सही आता है गलत आता है कमेंट करेंगे तभी आपको ज्ञात होगा कि कौन सा सही आंसर होगा। मैं आपको आंसर तो सही बता देता हूं, इसलिए कमेंट जरूर किया करें। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा, जंग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि एल्बो का प्रकार है, जैसे कि आपके सामने एक चित्र दिया गया है, ये एक एल्बो दिया गया, तो कौन से प्रकार का एल्बो है ये आपको बताना। देखिए ऑप्शन ए दिया गया 15 डिग्री एल्बो दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया 45 डिग्री एल्बो दिया गया, ऑप्शन सी आपका 60 डिग्री एल्बो दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया है 90 डिग्री एल्बो। तो ये कितने डिग्री का एल्बो है आपको ये कमेंट करके बताना। तो जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी करने लगे हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा ये कौन सा एल्बो है, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का एल्बो है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है सी आई पाइपों को जोड़ने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। वो कौन सी सामग्री का उपयोग करेंगे, देखिए ऑप्शन ए दिएगा पिगलेट का, पिघला हुआ रबर का, या पीतल का, या जस्ते का। तो इसमें से कौन से का यूज़ करेंगे ये आपको बताना, जोड़ने के लिए कौन सा सी आई पाइपों को जोड़ने के लिए किस सामग्री का उपयोग करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करेंगे आपको इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा सही होना चाहिए, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा, यानी किसका करेंगे, पिगलेट इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, पिगलेट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों सभी लोग कमेंट करें, क्योंकि आपका ये मान के चलिए एग्ज़ाम चल रहा है फुल मॉक टेस्ट, इसी तरीके का आपका सीबीटी एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को देखिए। उपकरण का नाम क्या है, जैसे कि आपके सामने उपकरण दिया गया है, इसको आपको नाम बताना है, इस उपकरण का नाम क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए दिया गया हैंड सॉ है, और सेटर्स है, या टेनन सॉ है, या हेक्सॉ है। तो इसमें से बताइए सही कौन सा हो, इस उपकरण का नाम कौन सा होगा चार ऑप्शन में से, सभी कमेंट करते चले इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जरूरी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा, इसको हम बोलते हैं सेटर्स इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, सेटर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया जो कैबिनेट बनाने के लिए किस कठोर लकड़ी का उपयोग किया जाता है, उस लकड़ी का आपको नाम बताना। देखिए आम की लकड़ी का, सागौन की लकड़ी का, या फ्लाई वुड का, या फिर बांस का। तो इसमें से बताइए कौन सी लकड़ी का यूज़ करें कैबिनेट बनाने के लिए। तो सभी साथ ही कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, अगर आप प्लम्बर से अगर किए हैं और इसके बारे में अगर आपको नहीं आता तो समझिए आप आईटीआई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट करने लगे हैं, तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सागौन की लकड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना कौन सी लकड़ी का यूज़ करेंगे, सागौन की लकड़ी का यूज़ करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
क्वेश्चन में देखा बढ़ई जो बढ़ई गिरी काम में बेंच हुक का उपयोग क्या होता है, जो बढ़ई गिरी करते हैं उसमें जो बेंच हुक होता है उसका उपयोग क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया चीरते समय जॉब को पकड़ने के लिए, ऑप्शन बी दिया गया चिपकाते समय जॉब को पकड़ने के लिए, ऑप्शन सी हमारा दिया गया ड्रिलिंग के लिए जॉब को पकड़ने के लिए, ऑप्शन डी हमारा दिया गया है जो रिबिंग के लिए जॉब को पकड़ने के लिए। तो इसमें से आपको सही कमेंट करना है, इसमें से जो हुक होता है बेंच हुक होता है इसका उपयोग किस में करेंगे, तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा जो बढ़ई गिरी में जो बेंच हुक का उपयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, चीरते समय जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर देखिए आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी लकड़ी उपकरण के हैंडल पहिए और गाड़ियों की बॉडी बनाने के लिए उपयुक्त है, मतलब कहने का मतलब वो कौन सी लकड़ी है जिसका हम उपकरण के हैंडल बनाने पहिए बनाने और जो गाड़ियों के बॉडी बनाने में करते हैं उस लकड़ी का आपको नाम बताना। ठीक है सीधी सी बात है, देखिए ऑप्शन ए दिया गया कैलबोर्ड होना चाहिए या बबूल बोर्ड होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका दिया चेयर बोर्ड होना चाहिए, ऑप्शन डी आपका सॉल बोर्ड दिएगा। तो इसमें से आपको सही कमेंट करना है, तो कौन सी लकड़ी होगी तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करते चलें जल्दी से इसका राइट आंसर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्या करना ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि क्या होगा जब भी हम आपको नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा बबूल बोर्ड यानी बबूल की लकड़ी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो क्वेश्चन में दिया गया है किस क्लैंप का उपयोग ग्लोइंग के लिए जॉब के छोटे हिस्सों को पकड़ने के लिए किया जाता है, तो उस क्लैंप का आपको नाम बताना। देखिए ऑप्शन ए दिया गया जी क्लैंप होना चाहिए, सी क्लैंप होना चाहिए, या यू क्लैंप होना चाहिए, या फिर वाइज क्लैंप होना चाहिए, तो कमेंट करके बताइए कौन सा क्लैंप होगा। सभी साथी जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, कमेंट सभी करा करें जितने भी स्टूडेंट वीडियो लाइव देख रहे हैं तो कमेंट जरूर किया करें। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा जी क्लेम का उपयोग करेंगे, किसका करेंगे जी क्लेम इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन में दिया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर के बीच दबाव सीमा क्या है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका जो दबाव सीमा के बारे में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन से आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया, डी दिया गया, आपको इसमें से सही कमेंट करना है कौन सा होना चाहिए, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो जल्दी से कमेंट करें। अभी आप अगर गलती भी कर देंगे तो आप सुधार भी हो जाएगा, याद रखना एग्ज़ाम में आप बिल्कुल सुधार नहीं कर सकते हो, ना कि एग्ज़ाम में बिल्कुल टिपाई भी नहीं भी होती है। ठीक है सीबीटी एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन कंप्यूटर पे, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये मैंने इसीलिए आपको फुल मॉक टेस्ट दे रहा हूँ जिससे आपकी पूरी रिविज़न ऑनलाइन बैटन पर हो जाए। तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा 120 से लेकर 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसके जो होता है वो से ऑक्सीजन सिलेंडर के बीच क्या दबाव होता है, कितना 120 से लेकर 150 केजी पर सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में दिया गया जो एसिड टाँका में स्टेनलेस स्टील के लिए एक प्रवाह के रूप में प्रयोग किया जाता है तो किसका उपयोग करते हैं, देखिए ऑप्शन ए दिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया नाइट्रिक एसिड दिया गया, ऑप्शन सी है फास्फोरिक एसिड दिया गया, ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें से आपको सही कमेंट करना है वो कौन सा उपयोग करेंगे किसका उपयोग करेंगे, तो सभी साथी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट सभी किया करें जितने हमारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका आंसर कमेंट भी करने लगे हैं, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा फास्फोरिक एसिड इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा
फास्फोरिक एसिड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया कि ऑक्सी एसिटिलीन संयंत्र को बंद करते समय कौन सा पहले बंद है। तो एक बार क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ कि ऑक्सी एसिटिलीन संयंत्र को बंद करते समय कौन सा पहले बंद है। तो कौन से पहले बंद होने का मतलब यहाँ दिया गया ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व पहले बंद कर दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया एसिटिलीन सिलेंडर वाल्व पहले बंद कर दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया झटका पाइप ऑक्सीजन वाल्व पहले बंद कर दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया है कि झटका पाइप जो होता है एसिटिलीन वाल्व पहले बंद कर दिया गया। तो इसमें से सही कौन सा होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा एसिटिलीन सिलेंडर बल्ब पहले बंद कर दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि किस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन कॉपर टिप को फोर्ज द्वारा गर्म किया जाता है। तो किसको गर्म करेंगे, देखिए ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर प्रकार बिजली टाँका लोहा, ऑप्शन बी दिया गया इलेक्ट्रिक टाँका लोहा, ऑप्शन सी आपका दिया टाँका लोहा है, ऑप्शन डी दिया गया है सामान्य प्रयोजन बिजली टाँका लोहा। इसमें से सही कौन सा आपको ये कमेंट करके बताना है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे 127 का कौन सा होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से निमी पैटर्न को अगर फॉलो किया है और उनको अच्छे से उनको याद किया तो आराम से इनको राइट आंसर कर सकते हैं, क्योंकि निमी पैटर्न से आपका बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको मान के चलिए ये CVT एग्ज़ाम है, आपको इसमें से कमेंट करना पूरे फुल मॉक टेस्ट, इसमें आपको जैसा एग्ज़ाम पैटर्न में आएगा उसी बेस पर हमने ये तैयार भी किए क्वेश्चन। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हुआ जो टाँका लोहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन में दिया गया लोहे या स्टील की सतहों को साफ करने के लिए कौन सा अकार्बनिक फ्लश पाउडर के रूप में या पानी में मिलाया जाता है, वो कौन सा है। तो इसके बारे में पूछा गया, देखिए अमोनियम क्लोराइड दिया गया, जिंक क्लोराइड दिया गया और यहाँ पर दिया फास्फोरिक एसिड दिया गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया। तो इसमें कौन सा है जो अकार्बनिक जो फ्लक्स पाउडर के रूप में यूज़ करते हैं जो पानी में मिलाकर सफाई करते हैं, तो इसमें से आपको बताना होगा चार ऑप्शन में से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा अमोनियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, किसका करते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और एग्जाम में हमेशा याद रखना, मैं बार बार कर रहा हूँ कि एग्जाम में हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उनके ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, अगर अच्छे से आता है तो उसको आप शुरू में टिक करिए, मतलब पहले उन क्वेश्चनों को अटेंड करना जो आपको अच्छे से आते हैं, बाद में उनको करना जो थोड़ा कम आते हैं, सबसे कठिन वाले क्वेश्चनों को हमेशा बाद में अटेंड करना। ठीक है, वहाँ पर कोई माइनस मार्किंग तो होगी नहीं, इसलिए आप बाद में जो नहीं आते उनको आराम से पूरा टिक करके आ जाना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया गया लोहे और इसकी मिश्र धातुओं में टाँका लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भराव की छड़ का पिघलाने का टेम्परेचर यानी तापमान क्या होगा, उसका मान पूछा गया तापमान। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया। तो इसे आप इसमें से कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा, कितना टेम्परेचर होना ये आपसे पूछा गया। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से बताएँ। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा, यानी कितना होना चाहिए 860 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 950 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन में दिया गया है मिस्त्री के जो मिस्त्री है उपकरण का आपको नाम बताना चाहिए, जो जैसे कि आप सामने एक डायग्राम दिया मिस्त्री के उपकरण का, ये इसका नाम बताना है कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन से देगा, ऑप्शन ए दिया गया है, बी दिया गया, सी देगा, डी देगा, तो आप इसमें से कमेंट करके बताइए, आपको 5 सेकंड देता हूँ, तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा सावल कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं सावल, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दिया गया कृत्रिम रेत के रूप में तैयार किया जाता है, मतलब जो कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल जो सेंड जो तैयार की जाती है किसके द्वारा, तो दे सकते हैं ऑप्शन ए दिया गया समुद्री बालू,
नदी रेत, ऑप्शन सी दिया गया पत्थर रेत क्रशिंग, ऑप्शन डी दिया गया गड्ढे रेत। तो इसमें से कौन सा होगा ये आपको कमेंट करना है, जो कृत्रिम रेत के रूप में तैयार करते हैं। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर देने लगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा, यानी क्या हुआ पत्थर रेत क्रशिंग इसका राइट आंसर होगा। ये क्या होता है, ये आर्टिफिशियल सैंड तैयार करते हैं, मतलब कृत्रिम रेत के रूप में हम किसके द्वारा तैयार करते हैं, पत्थर के रेत क्रशिंग के द्वारा, उनको मतलब बिल्कुल बारीक कर कर हम इसको क्या कर रेत के तौर पर इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कौन सी बॉन्ड ईंटों को लंबाई के आधार पर आधा ईंट गोद में रखा जाता है। देखिए ऑप्शन दिए गए, स्ट्रक्चर बंधन दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया हैडर बंधन दिया गया, ऑप्शन सी आपका दिया बटोर बंधन, ऑप्शन डी दिया गया डच बंधन। तो इसमें से कौन सा सही है आपको ये कमेंट करना है। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर और वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा स्ट्रेक जो होता है स्ट्रेचर जो होता है स्ट्रेचर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा स्ट्रेचर इसका करेक्ट आंसर होगा, स्ट्रेचर बंधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया कि एक्स के रूप में चिन्हित जो भाग है उसका आपको नाम कमेंट करके बताना, जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है। देखिए ऑप्शन से दिए गए, योके दिया गया है, फिक्स्ड जॉब दिया गया है, होल्डिंग पार्ट दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया है मूवेबल जॉब दिया गया। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करना है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे योग इसका करेक्ट आंसर होगा। जो एक्स से जो इंगित जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं योग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसमें दिया गया डाई स्टॉक का नाम क्या है, जैसे आपके सामने चित्र दिया गया ये डाई स्टॉक है, इसका नाम बताना है कौन सा डाई स्टॉक है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया। आप इसमें समय कमेंट करिए कौन सा सही होगा, आपको 5 सेकंड देता हूँ। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी करने लगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा, यानी हम इसको क्या बोलते हैं बटन पैटर्न स्टॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं बटन पैटर्न स्टॉक इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो स्विमिंग होता है क्या है, जो स्विमिंग क्या है उसके बारे में पूछा है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया कि एक ही व्यास पाइप फिटिंग के साथ शामिल हो गए, ऑप्शन बी दिया गया एक ही व्यास पाइप फिटिंग के बिना में शामिल हो गए, ऑप्शन सी हमारा दिया विभिन्न व्यास पाइप फिटिंग के साथ शामिल हो गए, ऑप्शन डी दिया गया है विभिन्न व्यास पाइप फिटिंग के बिना में शामिल हो गए। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको कमेंट करना है, जो स्विमिंग का अर्थ क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, ये मान के चलिए एक वीडियो बनाने में मेरे कम से कम 2 या 3 घंटे लग जाते हैं, 1 घंटा वीडियो बनाने में और 1 घंटा अपलोडिंग में, तो अगला 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करा करें। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा, यानी क्या हुआ हमारा यहाँ पर एक ही व्यास के पाइप फिटिंग के बिना में शामिल हो गए, ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि चेन पाइप कटर में गंदगी के छोटे कणों को धोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए हल्का तेल का करेंगे या पेट्रोल का करेंगे या मिट्टी का तेल का या तारपीन का करेंगे, तो बताइए इसमें से किसका यूज़ करेंगे। तो कमेंट करके बताइए सभी साथी इसका, तो सभी आंसर कमेंट कर सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाए, हम किसका यूज़ करेंगे मिट्टी के तेल का यूज करेंगे, यानी केरोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि एस डब्ल्यू पाइप पर किस प्रकार का परीक्षण किया जाना है, मतलब एस डब्ल्यू जो पाइप होता है उस पर हम किस प्रकार का परीक्षण किया जाना है इसके बारे में दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया प्रवाह परीक्षण दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया दबाव जो दाब परीक्षण दिया गया, ऑप्शन सी आपका दिया वैक्यूम परीक्षण दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया हाइड्रोलिक परीक्षण दिया गया। तो इसमें से आपको सही कमेंट करना है तो कौन सा परीक्षण यूज़ करेंगे, तो जल्दी से कमेंट करिए चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो सभी साथी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर, कमेंट सभी किया करें, आप चाहे गलत किया करें चाहे सही किया, क्योंकि अगर आप यहाँ गलतियाँ कर लेंगे तो सुधार भी हो जाएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कमेंट करा करें इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हुआ हमारा हाइड्रोलिक परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना क्या होगा, हाइड्रोलिक परीक्षण इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका, क्वेश्चन में दिया गया पाइप फिटिंग का नाम पूछा गया। देखिए आप में एक चित्र दिया गया, पाइप फिटिंग का नाम बताना है ये किस प्रकार का है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, बी दिया गया, सी दिया गया और डी दिया गया, आपको इसमें से कमेंट करना से सही कौन सा होगा। तो अच्छे से पढ़िए और इनमें से ऑप्शन में से हमें कमेंट करके बताइए, आपको 5 सेकंड्स देता हूँ इसका राइट आंसर के लिए, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी करने लगे, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा प्लग और कैप इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा प्लग और कैप इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है जो ट्यूबिंग मोड़ के लिए न्यूनतम त्रिज्या क्या है, जो ट्यूबिंग जो मोड़ के लिए हमें न्यूनतम त्रिज्या का मान बताना है कितना होना चाहिए। देखिए 2 बार ब्यास ऑप्शन बी दिया गया, 3 बार ब्यास ऑप्शन सी दिया गया, 4 बार ब्यास ऑप्शन डी दिया गया, 5 बार ब्यास, इसमें से सही कौन सा है, न्यूनतम त्रिज्या क्या होनी चाहिए इसके बारे में पूछा गया, तो कमेंट करके बताइए सभी साथी। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट अगर डी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, यानी 5 बार ब्यास इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दिया गया कौन सी बड़ी लॉ देती है, कौन सी बड़ी लॉ देगी बताइए, ऑप्शन से देंगे ऑप्शन ए बी सी और डी, इसमें से कौन सी जो बड़ी लॉ देगी मतलब बड़ी तरीके से लॉ देगी आग निकालेगी, आप बताइए इसमें से कौन सी देगी, तो कमेंट करके बताइए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी करने लगे, जो भी साथी इसका राइट आंसर अगर सी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर हो जाए, यानी केरोसिन ब्लो लैंप जो होता है इसमें क्या होता है बड़ी लॉ देती है, किसमें केरोसिन ब्लो लैंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका लास्ट क्वेश्चन है थ्योरी का, इसमें दिया गया कि ठंडे पानी को ले जाने के लिए ज़्यादातर हम किस पाइप का उपयोग किया जाता है, तो किस पाइप का करेंगे, देखिए ऑप्शन ए दिया गया पीवीसी पाइप, स्टील पाइप या फिर कॉपर पाइप, या ऑप्शन डी दिया गया लीड पाइप, तो इसमें से कौन सी पाइप का यूज़ करेंगे ये आपको बताना, तो कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा पीवीसी पाइप का यूज़ करेंगे हम ठंडे पानी को ज़्यादातर क्या करते हैं किसका करते हैं पीवीसी पाइप का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों आप क्या देखेंगे WCS और ED और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन को विधिवत तरीके से देखेंगे, ठीक है पूरा अटैम्प्ट करना, आपका कितना स्क्वायर हुआ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है चलते हैं आगे के क्वेश्चन देखते हैं सीधे से। देखिए वर्कश�प कैलकुलेशन के जो आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद आपके आएंगे ED के आएंगे, इसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ पर ES यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से मैंने वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिया गया, दोस्तों जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यानपूर्वक एक बार एग्जाम से पहले पूरे वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया देख सकते हैं स्क्रीन पर है, यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, मतलब कि साइन थीटा का मान पूछा गया क्या होना चाहिए। देखिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा दिया गया है विपरीत भुजा बटा कर्ण होगा, ऑप्शन बी हमारा दिया कर्ण बटा विपरीत भुजा होगा, ऑप्शन सी हमारा दिया गया है कि आसन भुजा बटा कर्ण होना चाहिए, ऑप्शन डी हमारा दिया गया कर्ण बटा आसन भुजा होना चाहिए। तो जो साइन थीटा का मान अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से आप कमेंट कर सकते हैं, और ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप चाहें तो दे सकते हैं। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से,
तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यानी ए इज करेक्ट आंसर, यानी जो साइन थीटा का जो मान होता है ये क्या होगा हमारा विपरीत भुजा बटा कर्ण होगा, क्या होगा विपरीत भुजा कर्ण होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा कर्ण होता है, ये आसन्न भुजा होती है और ये इसकी विपरीत भुजा होती है, मतलब जो हमारा साइन थीटा हुआ वो हुआ विपरीत भुजा बटा कर्ण होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अच्छे से कर लेना बिल्कुल ध्यानपूर्वक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, क्वेश्चन का आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है, मतलब व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ हीट, मतलब हीट मतलब ऊष्मा की एसआई इकाई के बारे में पूछा गया कि कैलोरी होगा, जूल होगा, या सेंटीग्रेड ऊष्मा इकाई होगा, या ब्रिटिश थर्मल इकाई होगा। तो इसमें से आपको बताना होगा सही आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं सभी वीडियो में कमेंट करेंगे कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करना है तो वीडियो शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 114 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, क्या होगा बी करेक्ट आंसर होगा, यानी हमारा जूल इज़ राइट आंसर होगा, मतलब ऊष्मा की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है जूल, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया आपको स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2022 में भी और 21 में। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ऑथेंटिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, पूरा के पूरा सीबीटी एग्जाम बेस्ड आपको ये मैंने पूरा सिलेबस करवाया, इसमें 75 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट करना क्योंकि आपका इतना स्कोर हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया कि ब्रिटिश सिस्टम में एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, मतलब एक एचपी वन एचपी में कितने हार्स पावर मतलब कितने वाट होते हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो देख सकते हैं फर्स्ट हमारा दिया गया 726 वाट होना चाहिए, 736 वाट होना चाहिए, 746 वाट हो जाना चाहिए, या 756 वाट होना चाहिए। इसमें से सही आपको आंसर कमेंट करना है, तो सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जो भी साथी हमारे इसका राइट आंसर कर रहे हैं 103 का सी इज राइट आंसर होगा, यानी कितने वाट होगा 746 वाट होगा, मतलब 1 HP बराबर कितना होता है हमारा 746 वाट इज राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर देखिए कि किसी तापमान पर कोई अगर ठोस द्रव में पिघलता है, मतलब किसी टेम्परेचर पर क्या होता है अगर कोई ठोस जो है द्रव में पिघलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे, या फ्यूज़न की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। ऑप्शन हमारा डी दिया गया, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करना है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। और सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएँ इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 149 का ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको हम क्या बोलते हैं गलनांक, इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से याद लेना, जो ठोस का क्या होता है जो ठोस रहता है ना, ये ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा गलनांक कहलाएगा, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए ऑप्शन आप कमेंट करके बताइए इसमें से कितना मिलीमीटर होगा, मतलब 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये तो आसानी से आप बता सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा कितना होता 25.4 mm, यानी मिलीमीटर्स का राइट आंसर, मतलब 1 इंच में कितना होता है 25.4 mm का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जितने भी हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, मतलब कोई कंडक्टर है कोई चालक है उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाह कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे या धारा बोलेंगे या प्रतिरोध बोलेंगे या फिर शक्ति बोलेंगे। इसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, और ये तो आसानी से आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए चार ऑप्शन से। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं बी उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा करंट इसका यानी धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ से आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर मैंने आपको ये क्वेश्चन तैयार किया फुल टेस्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, तो जैसे कि आपके सामने एक प्रतीक चिन्ह दिया गया, एक चित्र दिया गया है, इसको आपको पहचानना है इसका नाम क्या होना चाहिए, यानी कांच होगा
या लकड़ी होगा या इस्पात होगा या ठोस होगा। तो इसमें से आपको बताना होगा राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर सही कर रहे हैं डी, उनका करेक्ट हो जाएगा, यानी इसको क्या बोलेंगे ठोस। ये क्या है, सभी ठोस के कण हैं, जैसे छोटे छोटे कण दिखा रहे हैं आपको, ये कैसे कण होंगे ठोस। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठोस इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाओ, क्वेश्चन में दिया गया है कि उपकरण का नाम पहचाने। जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है और एग्जाम में 101% टूल से संबंधित एक या दो डायग्राम पूछे जाएंगे, उसका नाम पूछा जाएगा कौन सा डायग्राम है। तो इसलिए आप सारे के सारे जितने भी डायग्राम टूल्स हैं उनको अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना, एग्ज़ाम में 101% आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट दिया गया उड्डयनी, मतलब कर्तनी होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा कटिंग प्लायर होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा दिया गया डबल काटने कर्तनी होना चाहिए। ऑप्शन डी दिया गया हमारा हॉक बिल सीयर होना चाहिए। तो इसमें से सही कौन सा, ये आपको गेस करके बताना। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं वीडियो, सभी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे कटिंग प्लायर। जैसे कि आपके सामने ये दिए थे कटिंग प्लायर बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे कटिंग प्लायर, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। जैसे कि आपके सामने एक प्रिज्म दिखाया गया है, ये किस प्रकार का प्रिज्म है इसका नाम बताना। ये पंचकोणीय प्रिज्म है या हेक्सागोनल प्रिज्म है या स्क्वायर प्रिज्म है या त्रिकोणीय प्रिज्म है, आपको सही कमेंट करके बताना है कौन सा प्रिज्म है। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें इसका कौन सा सही होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी हेक्सागोनल, मतलब हेक्सागोनल प्रिज्म होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना है क्या है हेक्सागोनल क्यों कहते हैं इसकी, क्योंकि हेक्सा मतलब छः भुजाएं दी गई। देखो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छः भुजा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो सामने एक डायग्राम दिया गया, इस प्रतीक का आपको नाम बताना क्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं लेड दिया गया है, लकड़ी दिया गया है, ये कागज़ होगा या कांच होगा। तो ये कौन सा प्रतीक चिन्ह दिया गया, इसका नाम सही भी साथी कमेंट करके बताएंगे इसको क्या बोलेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर अपने चित्र और डायग्राम अपनी बुक से में देखे होंगे तो आसानी से इसका नाम बता सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, इसको हम क्या बोलेंगे लकड़ी इसका करेक्ट आंसर, यानी वुड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के एग्जाम में आपको डायग्राम पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें दिया गया एसआई मानक के अनुसार कौन सा डायग्राम आयाम सही है। तो सही डायग्राम बताना है जो आप अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर सही ड्राइंग अगर बनाते होंगे तुम्हारे, अगर आपके टीचर ने अगर बनाया होगा तो इसमें से आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं। तो कौन सा सही डायग्राम होना चाहिए, तो देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया, इसमें से सही ड्राइंग का आयाम बताना है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आसानी से कर देना। इस तरह से देखना कि आपने अगर अपने टीचर से अगर डायग्राम अगर सीखा है ड्राइंग का, तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि उपकरण का नाम पहचाने। उपकरण का नाम दिया गया, आपके सामने एक चित्र दिया गया, इस उपकरण का नाम बताना है। तो इससे आप आसानी से देख रहे होंगे क्या है इसका नाम, बॉल पिन हैमर हैगा या क्रॉस पिन हैमर होगा या जो स्लेज हैमर होगा या सीधे पिन है तौड़ा होगा। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो कमेंट करके बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारे कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो जाएगा। इस जो हैमर दिया गया इसको हम बोलते हैं बॉल पिन हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉल पिन हैमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया फर्स्ट कि अच्छे करियर के विकास के लिए कौन से दो कौशल आवश्यक हैं। तो कौन से दो कौशल आवश्यक हैं जो अच्छे करियर विकास के लिए, इसके बारे में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि गायन, नृत्य, बागवानी, और ऑप्शन डी हमारा दिया गया तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसमें से दो कौशल कौन से होंगे जो आपको अच्छे करियर के विकास के लिए आवश्यक हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएँ सभी साथी।
तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि जब हम ऑनलाइन को सीखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, जब हम कोई भी ऑनलाइन कोई काम सीखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, अनलर्निंग कहेंगे या शिक्षण कहेंगे या ई लर्निंग कहेंगे या मार्केटिंग कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर अनलर्निंग ये तो होगा नहीं, शिक्षण भी होगा नहीं और मार्केटिंग भी होगा नहीं, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। इसको बोलते हैं ई लर्निंग बोल देंगे, क्या बोलेंगे ई लर्निंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा, अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन सा रोजगार कौशल पोर्टल है, मतलब जो रोजगार का जो रोजगार देता है उसका कौन सा पोर्टल, उसका नाम बताना है, कि फेसबुक तो दोस्तों होगा नहीं, ठीक है भारत कौशल ये ज़रूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी छोड़िए, अब यहीं पर मिल गया आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हुआ भारत कौशल जो हमारा क्या है एक रोजगार कौशल पोर्टल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा बनाने में मदद करती है, कैसे बनवाएगी बनाने में मदद करा, खेल में व्यवहार में या अध्ययन करते हैं या किराया, तो इसमें से सही कमेंट करना आपको कौन सा राइट होना चाहिए, तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा व्यवहार मतलब मूल्य और नैतिकता जो हमको एक अच्छा बनाती है वो किस में बताती है, व्यवहार बनाने में मदद करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है जो व्यक्ति किसी देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है उसको हम क्या कहेंगे, मतलब कोई अगर व्यक्ति है जो देश के कानून का अगर सम्मान करता है और उसका पालन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यापारिक व्यक्ति बोलेंगे या बुरा कर्मचारी बोलेंगे या जिम्मेदार नागरिक बोलेंगे या छोटा बच्चा बोलेंगे, तो आपको इसमें से कमेंट करना, सही कमेंट करके बताना, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर चार ऑप्शन से कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए, यानी क्या होगा हमारा जिम्मेदार नागरिक, मतलब जो व्यक्ति देश के कानून का सम्मान करता है और पालन करता है उसको हम बोलते हैं जिम्मेदार नागरिक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया संविधान को कहा जाता है, मतलब संविधान को किस नाम से और जाना जाता है, इसके बारे में पूछा गया कि भारतीय अकादमी के नाम से जाना जाता है या भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है या उपन्यास या अखबार के नाम से जाना जाता है, तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर भारतीय अकादमी के नाम से ये तो गलत हो जाएगा, उपन्यास भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, अखबार भी गलत हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान के नाम से भी हम जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान हमारे देश के एक समूह, मतलब हमारा जो देश का एक समूह किसका समूह है, कानून और नियम का है, चाबियों का है, औजार का है या घड़ी का है, इसमें से आपको कमेंट करना, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसमें से राइट कौन सा होना चाहिए। भारतीय संविधान हमारे देश का एक समूह मतलब किसका समूह, लॉ एंड रूल का है या की है, टूल है या वॉच होगा, इसमें से सही बताना है कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए इज राइट का आंसर ए कर रहे हैं तो उनका राइट होगा, यानी कानून और नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसमें दिए गए रसायन और अपशिष्ट और प्लास्टिक को अगर पानी में छोड़ा जाता है तो क्या कहलाएगा, अगर मान लिया आपने किसी भी रसायन को और अपशिष्ट पदार्थ को और प्लास्टिक को अगर पानी में छोड़ देते हैं तो उससे होगा क्या, ध्वनि प्रदूषण होगा, धारा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा या वायु प्रदूषण होगा, तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, रसायन अपशिष्ट और प्लास्टिक को अगर पानी में छोड़ें, ध्वनि प्रदूषण तो होगा नहीं, ये तो गलत ही हो गया, फिर धारा प्रदूषण ये भी गलत हो जाएगा, वायु प्रदूषण ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बचता है तो ये राइट आंसर हो जाएगी, इसको क्या बोला जल प्रदूषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम में हमेशा याद रखना क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना, बिल्कुल घबराना मत,
अभी से मैं इसलिए आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर ही आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चनों को आप लगा कर लिए एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण बनती है, मतलब पृथ्वी पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है किसके कारण बढ़ रहा है, नष्ट करना, लैंड स्लाइडिंग और गर्म, या ग्लोबल वार्मिंग। इसमें से आपको बताना सही आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर अगर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हुआ ग्लोबल वार्मिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ ग्लोबल वार्मिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को देखिएगा कि निर्माण जगत में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि के साथ प्रमुख परिवर्तन हुए, मतलब कहने का मतलब है जो निर्माण जगत में होते हैं प्रमुख परिवर्तन किस में हुआ है, हरित क्रांति में हुए, दुग्ध क्रांति में हुए, या औद्योगिक क्रांति में हुए, या फिर आप देख सकते हैं श्वेत क्रांति में हुआ। तो आपको इसमें से सही कमेंट करके बताना है कि जो निर्माण जगत में अगर जो मैन्युफैक्चरिंग में होता है उसमें वर्ल्ड में अगर कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं तो किस में चेंजेस होंगे, इसके बारे में पूछा गया। तो कमेंट करके बताएं इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए सही। तो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें, जितने भी साथी हमारे वीडियो देख सभी कमेंट करके बताएंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या औद्योगिक क्रांति इसका राइट आंसर होगा, यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना ऑप्शन नंबर सी यानी औद्योगिक क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका अगला आ चुका है, क्वेश्चन में दिया गया कौशल का नियमित मूल्यांकन रिक्त स्थान की पूर्ति करने पर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, मतलब कौशल का जो नियमित मूल्यांकन है वो किसके लिए आवश्यक है, इसके बारे में पूछा गया है कि आजीविका के लिए, साक्षात्कार के लिए, काम के लिए, कौशल के लिए। तो इसमें से सही आंसर आपको कमेंट करना, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं अगर ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं तो उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हुआ कैरियर यानी आजीविका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ कैरियर यानी आजीविका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ा करें उसके बाद ही आंसर करा करें। ठीक है, आपको मैं 5 सेकंड तो देता ही हूँ जिससे कि आंसर आप कमेंट कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, मतलब हिस्सा नहीं के बारे में पूछा है, जो हिस्सा है उसके बारे में नहीं, जिसके बारे उसके बारे में पूछा है जिसमें नहीं है। ठीक है, ताकत दिया गया है, वीकनेस यानी कमजोरियां हैं, या बिलीफ्स यानी मान्यताएं हैं, या स्किन कलर यानी त्वचा के रंग है। तो इसमें से आपको कमेंट करना है सही आंसर कौन सा होगा, जो हिस्सा नहीं है व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं उसके बारे में बताना है। तो कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा त्वचा के रंग। ये क्या है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, बाकी ताकत है, स्ट्रेंथ है, या वीकनेस है, या और बिलीफ जो मान्यताएं हैं, ये सभी के सभी क्या है व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जो कि हिस्सा नहीं है त्वचा के रंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिस तरह से हम समस्या का प्रबंधन और समाधान करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलेंगे क्या इसके बारे में पूछा जाएगा, सकारात्मक रवैया बोलेंगे, युद्ध वियोजन बोलेंगे, या नकारात्मक रवैया, या ऑप्शन डी हमारा जुनून दिया गया यानी पैशन। तो इसमें से सही बताएं आप कमेंट करके कौन सा सही होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा युद्ध वियोजन इसका राइट आंसर हो, क्या है युद्ध वियोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है हम अपने विचारों और भावनाओं को रिक्तस्थान की पूर्ति के माध्यम से साझा कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आपको अपने विचार जो भाव हैं अगर उनको अगर अभिव्यक्त करना है तो किसके द्वारा कर सकते हैं, कम्युनिकेशन यानी संचार के द्वारा, रीडिंग यानी पढ़ने के द्वारा, वाचिंग यानी देख रहा, या फिर हेयरिंग मतलब सुनना, तो इस किसके द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। तो आप तो इसका राइट आंसर कमेंट कर ही सकते हैं। देखियो पढ़ने के द्वारा ये तो गलत हो जाएगा, देख रहा ये भी गलत हो जाएगा, सुनना ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कम्युनिकेशन यानी संचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया गया कि मौखिक संचार का उपयोग है, मतलब जो मौखिक जो संचार है उसको हम किसके रूप में व्यक्त करते हैं, संकेत के रूप में, शब्द के रूप में, या गणित के रूप में, या छवियों के रूप में। तो आपको बताना होगा इसमें सर राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। देखिए यहाँ पर संकेत तो गलत हो जाएगा, गणित भी गलत हो जाएगा, और आपका यहाँ पर छवियाँ इमेजेस जो ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन जो वर्ड दिया गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या वर्ड्स क्या होगा, शब्द, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है कि स्पष्ट संचार यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन जो लीड्स टू, मतलब जो स्पष्ट संचार की ओर ले जाता है, मतलब स्पष्ट जो संचार किसकी ओर ले जाएगा, अलग काम के लिए, अब विपरीत काम के लिए, या धीमा काम के लिए, या फिर तेज काम के लिए। तो सभी साथी बताएंगे इसमें से कौन सा राइट होगा, और आसानी से बता सकते हैं इसका राइट आंसर, सभी को याद होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करें, अगर आपका स्पष्ट संचार होगा यानी क्लियर कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा, आपका फास्ट वर्क होगा, मतलब तेज काम होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है कि विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कहने का मतलब है कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है, नहीं के बारे में पूछा, मतलब गैर मौखिक संचार नहीं है इसके बारे में पूछा गया। ईमेल है, आंखों से संपर्क है, या हाथ आंदोलन है, और ऑप्शन डी हमारा दिया गया चेहरे की अभिव्यक्ति। तो इसमें से आपको कमेंट करना है, तो सही कौन सा होना चाहिए, तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, जो नहीं है इसके बारे में बताना है, तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारे क्या हुआ, ईमेल जो हमारा है ये क्या है, गैर मौखिक संचार का एक अंग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। जैसे कि ऑप्शन बी दिया गया आई कांटेक्ट, ये भी सही होगा, और हैंड और मूवमेंट्स, ये हाथ आंदोलनों, और ये भी सही होगा, और डी हमारा फेशियल एक्सप्रेशन जो चेहरे की अभिव्यक्ति, ये सभी के सभी क्या है, गैर मौखिक संचार के एक अंग है, बाकी जो नहीं है वो ईमेल इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अगला दिया गया है कि अगर कोई आराम से कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, मतलब कहने का मतलब अगर कोई कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है तो उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, खेल साक्षरता बोल सकते हैं, या डिजिटल साक्षरता बोल सकते हैं, या सांस्कृतिक साक्षरता बोलते हैं, या ऑप्शन डी दिया गया साक्षरता। तो इसमें से सही कमेंट करना आपको, इसमें से कौन सा राइट होगा, सभी बताएंगे इसका राइट आंसर, तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर, चार ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है या उसका ज्ञान रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल लिटरेसी, यानी कि डिजिटल साक्षरता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिजिटल साक्षरता बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, मतलब क्या पूछा गया, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है उसका हिस्सा नहीं है इसके बारे में पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर दिया गया मॉनिटर होना चाहिए, एंटीना है, वेब कैमरा है, या माउस है। तो इसमें जो पूछा गया है डेस्कटॉप का कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है इसके बारे में बता दी, कि यहाँ पर मॉनिटर भी डेस्कटॉप का हिस्सा है, मतलब हिस्सा है, वेब कैमरा भी हिस्सा है, और माउस भी है, लेकिन जो एंटीना दिया गया है ये क्या है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद करना कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर, कहने का मतलब दिया गया है कि सीपीयू का अर्थ क्या है, मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप आसानी से कमेंट करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। सीपीयू का फुल फॉर्म सभी कमेंट करेंगे, पूरा फॉर्म इसका फुल फॉर्म लिख के हमें कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी का मतलब होता है सेंट्रल, पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग, और यू का मतलब होता है यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दिया गया कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है,
जो कंप्यूटर मतलब व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क के बारे में पूछा गया, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। बैक कैमरा है, ट्रैक पैड होगा या मॉनिटर होगा या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। तो इसमें से आपको कमेंट करना, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर चार ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका अगर राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि कंप्यूटर को बंद करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड यानी शब्द क्या है। अगर आप कंप्यूटर को जब बंद करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा वर्ड करते हैं, हैंग मतलब आपका यूज़ करेंगे, स्विच ऑन का करेंगे या शट डाउन का करेंगे या पावर ऑन करके, ये तो सभी आंसर बता सकते हैं कमेंट करके। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे सभी कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे आपके अन्य मित्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्या करना, ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारे क्या होगा, शट डाउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने कई बार सुना होगा कि कंप्यूटर को बंद कर दें तो उसमें कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, शट डाउन कर दें, क्या कर दें, शट डाउन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि भौतिक शरीर और यौन अंग जिसके साथ हम पैदा होते हैं वे व्यक्ति के को संदर्भित करते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति भौतिक शरीर और यौन अंग के साथ अगर पैदा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेंडर, लिंग, आयु या दस्तावेज। तो क्या बोलना चाहिए, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जितने भी साथी हमारे वीडियो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी, उनका सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर है, लिंग यानी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लड़कों को अक्सर अपने रिक्तस्थान की पूर्ति करना को व्यक्त करने से हतोत्साहित किया जाता है, विचार, भावनाएँ, विचारों या फिर खुशी। इसमें आपको कमेंट करना सही कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, यानी इमोशंस यानी भावनाएं इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु के रिक्तस्थान की पूर्ति को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, किनको नहीं मिलता, बॉयज़ को, गर्ल्स को या एनिमल्स को या फिर मेन को। तो इसमें से सही आपको कमेंट करके बताना कौन सा होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा, यानी कि क्या होगा हमारा, गर्ल्स का करेक्ट आंसर होगा, क्या, गर्ल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारा पूरा के पूरा 75 क्वेश्चन का पूरा मॉक टेस्ट हम आपने CBT में इसी तरह के क्वेश्चन से एग्जाम में पूछेंगे जाएंगे। अगर वीडियो आपने प्रॉपर वे से देखी है तो 101% आपको यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी देखने के लिए मिलेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।